अगर आप यहाँ पे आए हमारे मेट्रोलाइट कंपनी में आए और हम आपको 15 डेज का ट्रेनिंग देंगे, 15 डेज के ट्रेनिंग में सुपरवाइजर लेवल पे 25,000 से स्टार्ट हम करवाएंगे आपको, और ट्रेनिंग जितना भी दिन देंगे उसका रहना फ्री देंगे और खाना फ्री देंगे, दो टाइम लंच और डिनर। अगर आप अच्छे से वर्कआउट करेंगे तो बाद में आपको टीम लीडर बनाया जाएगा, फिर आपको साइट इंचार्ज बनाया जाएगा, फिर फील्ड ऑफिसर बनाया जाएगा और आप ऑपरेशन मैनेजर तक जा सकते हो। मेल और फीमेल दोनों आ सकती हैं। दिल्ली एनसीआर से जो बाहर हैं उनका मैं ऑनलाइन इंटरव्यू ले लूँगा। कोई भी इंडिया का सेम स्किल, अगर गार्ड का काम करना चाहते हैं, अगर हमारा जो वार्ड बॉय होता है, जो GDA होता है जिसको हम नर्सिंग असिस्टेंट कहते हैं, उसका काम करना हो या हाउसकीपिंग पे काम करना हो, तो आप 24 आवर हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं और डेली वैकेंसी है। और जो मैंने वैकेंसी का डेटा बताया ओनली दिसंबर में है, जनवरी में इसका डबल वैकेंसी आने वाला है। दोस्तों आज एक और जबरदस्त वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। पहले भी मैं इस कंपनी की काफी सारी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। इस कंपनी का नाम है मेट्रोलाइट और आज मेरे साथ है मेट्रोलाइट के डायरेक्टर, और आज इनके जरिए मैं आपको एक ऐसी फ्री ट्रेनिंग के बारे में बताने वाली हूँ जो कि मेट्रोलाइट की तरफ से 100% फ्री है और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है। आज इनके ही जरिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि किस तरीके से आप इस फ्री ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी पोस्ट पे इस फ्री ट्रेनिंग के बाद आपकी नौकरी लगेगी, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं सर के ही जरिए दूंगी आपको इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर दोस्तों आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी प्रेस किया हो। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो सर, जैसे पहले भी हम बहुत सारी वीडियोज आप लेकर के आए हैं, काफी सारे लोग आपके जरिए सेलेक्ट भी हुए हैं, हॉस्पिटल में भी सेलेक्ट हुए हैं, सिक्योरिटी में भी सेलेक्ट हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने बारे में बताइए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए। मेट्रोलाइट कंपनी 2020 में मैंने स्ट्रगल किया था, मैं डायरेक्टर हूँ और उस टाइम मेरा विजन था जो हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम करें हमारे इंडिया में, जो हम तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं उसको बिल्कुल, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं। तो था अगर हम हेल्थ सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरा उस टाइम कोरोना आ गया था तो मुझे ये पता चला जो कोरोना एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हेल्थ सेक्टर से हम किसी भी एम्प्लॉयमेंट को दे सकते हैं और कभी भी कोई बेरोज़गार नहीं हो सकता था, तो इसीलिए हम हेल्थ सेक्टर में अपना काम स्टार्ट किया। और विजन था हेल्थ सेक्टर को मेन अप्रोच लेके चलने का, जो और हम जितने भी इंडिया का बेरोजगार है उसको हम रोजगार देके अपनी बेरोजगारी को कम करें और इंडिया को कम से कम उस लेवल पर लेके आए जहाँ पे हम वर्ल्ड में देखना चाहते हैं, हमारा ये विजन था एक्चुअल। अच्छा सर, अभी जैसे कि आपने हमें बताया था कि आप फ्री कोर्सेज कुछ लेकर के आए हैं ऐसे यूथ के लिए जो कि ग्रेजुएट हैं और जो अभी कुछ कर नहीं रहे हैं बट कुछ करना चाहते हैं, तो ये जो फ्री कोर्सेज है सर, ये किस लेवल के हैं और किन किन कैंडिडेट्स के लिए हैं? हाँ जी, एक्चुअल में क्या है ना, जो हमारा मेट्रोलाइट जो कंपनी है वो हम सेमी स्किल, स्किल और अनस्किल्ड पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं जो अनस्किल्ड को तो जॉब मिल जा रहे हैं और सेमी स्किल्ड को भी जॉब मिल जा रहे हैं, लेकिन जो स्किल्ड हैं और वो स्किल्ड जो ग्रेजुएट हो के हमारे इंडिया में बेरोजगार हो गए हैं, मतलब ग्रेजुएट हैं लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट के इस बेस में आ गए हैं, तो उनको कैसे रोजगार मिले उसको, उस पर ध्यान कोई दे नहीं रहा है। एक्चुअल में गवर्नमेंट भी उस पर जितना पॉसिबल है उतना ही ध्यान दे रही। तो मेरा मेट्रोलाइट से एक था जो मैं उन पर्सन को बुलाऊं जो अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में गुजर रहे हैं और ग्रेजुएट हो चुके हैं या कोई अदर कंपनी में काम कर रहा है लेकिन उसके स्किल के अकॉर्डिंग, मतलब उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो मेट्रोलाइट उसके लिए एक चीज़ सोच रही है, अगर आप यहाँ पे आए हमारे मेट्रोलाइट कंपनी में आए और हम आपको 15 डेज का ट्रेनिंग देंगे, 15 डेज के ट्रेनिंग में हम आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में सिखाएंगे और करवाएंगे भी साथ साथ, आपके जो इंग्लिश मतलब स्पोकन पे भी थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, आपको मिनिमम हिंदी में बोलना और लिखना दोनों होना चाहिए और फिर इंग्लिश का वर्कआउट हम कर लेंगे, और साथ साथ हम आपको जो हमारा वर्कआउट होगा वो हेल्थ सेक्टर में आपको सुपरवाइजर ऑफिसर कहते हैं, सुपरवाइजर ऑफिसर के रूप में हम आपको अपॉइंटमेंट करेंगे, जिसके लिए उसका SOP होगा, जो हम एक पूरे के पूरे हॉस्पिटल में मेन पावर को आप कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि आपको ही हैंडल करना है, क्योंकि आप एक सुपरवाइजर ऑफिसर होगे तो आपको ही आपको हैंडल करना है, तो उसका एक SOP है हमारे पास, उस SOP पे हम आपको ट्रेनिंग देंगे,
पूरे के पूरे ट्रेंड करेंगे 15 डेज में, अगर जरूरत पड़ेगा तो 20 डेज लेंगे, हो सकता है अगर 1 मंथ को जरूरत पड़ेगा तो 1 मंथ में भी आपको करवा सकते हैं। तो पूरे ट्रेंड करके हम आपको हॉस्पिटल लाइन में हम आपको जॉब देंगे, जिसमें वो जो जॉब होगी वो मेट्रोलाइट के ऑन रोल होगा, जो मेट्रोलाइट के पे स्केल पर आएंगे। उसमें बेनिफिट क्या है, जो आप सुपरवाइजर ऑफिसर से स्टार्ट करेंगे, अगर आप अच्छे से वर्कआउट करेंगे तो बाद में आपको टीम लीडर बनाया जाएगा, फिर आपको साइट इंचार्ज बनाया जाएगा, फिर फील्ड ऑफिसर बनाया जाएगा और आप ऑपरेशन मैनेजर तक जा सकते हो सुपरवाइजर लेवल पे। 25,000 से स्टार्ट हम करवाएंगे आपको, मिनिमम 25,000 से स्टार्ट होगा ही होगा, यही हमारा अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। मेल और फीमेल दोनों की? हाँ, मेल और फीमेल दोनों आ सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीमेल को थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा जो नाइट ड्यूटी भी लगेगा तो वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल 24 आवर चलते हैं तो आपको डे और नाइट वर्क करना पड़ेगा। और एक चीज़ और, बहुत सारे मतलब लोगों का ये कहना होता है जो हम 8 आवर का ही हम काम करेंगे, उससे नहीं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है 8 आवर के लिए भी दे देंगे, लेकिन हो सकता है 12 आवर भी मिले, तो आपको कुछ 6 महीना के आसपास आपको करना पड़ेगा। आपको 5.8 हाइट होना चाहिए, साथ साथ अगर फीमेल पर्सन है, ये मेल के लिए बताया, ये फीमेल पर्सन है तो 5.5 आपका हाइट होना चाहिए। वेट में आप 65 kg होना चाहिए आपका मेल के लिए, मिनिमम की बात हम कर रहे हैं, और 60 kg होना चाहिए फीमेल के लिए। तो इस क्राइटेरिया के अंदर में आप आते हैं और ग्रेजुएट हैं तो आप आइए हमारे साथ जुड़िए। इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारा मेट्रोलाइट का एक लिंक दिया जाएगा जो आपके एड्रेस पर आएंगे, आपको एक फॉर्मल इंटरव्यू हम लेंगे, अगर आप सेलेक्ट होते हैं एक फॉर्मल इंटरव्यू लेंगे, लेकिन आपका ये क्वेश्चन जरूर होगा, सर मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लखनऊ से रहने वाला हूँ, असम का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, तो मैं इंटरव्यू दिल्ली आके कैसे दूँ, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली NCR से जो बाहर हैं उनका मैं ऑनलाइन इंटरव्यू ले लूंगा, जिससे आपको यह बेनिफिट मिलेगा जो आप हमारे इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन यह देखा जाएगा आपकी आवाज सही है कि नहीं, आप बोल भी पाते हो कि नहीं, एक फॉर्मल इंटरव्यू होगा मात्र, क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया बस 3 ही चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, जो हमने हाइट और वेट का वो चीज होना चाहिए, इसके बाद एक साउंड देखा जाता है जो आप क्लियर बोलते हो या नहीं बोलते हो, ये चीज का एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा। अगर इंटरव्यू पास कर गए फिर हम आपको दिल्ली में लक्ष्मी नगर बुलाएंगे, जहां पे हमारा अपना ट्रेनिंग सेंटर है, और ट्रेनिंग जितना भी दिन देंगे उसका रहना फ्री देंगे और खाना फ्री देंगे, 2 टाइम लंच और डिनर। उस ट्रेनिंग टाइम में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जब आपका फुल ट्रेंड हो जाओगे आप फिर जॉब देंगे, फिर आप आपके बारे में आपको आपसे सोचना होगा रहना खाना कैसे होगा, उसके लिए कंपनी आपको हेल्प कर देगी, जो आपको कहीं पे डिप्लॉयमेंट करेगी तो उसका कंपनी का टीम आपको सब कुछ अरेंज करवा देगा, लेकिन जब तक आप कंपनी में ट्रेनिंग लेंगे सब कुछ फ्री मिलेगा। तो सर डायरेक्टली काफ़ी सारे लोग इसके लिए आएंगे। एक चीज़ मैं और पूछना चाहती हूँ, जैसे कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है, कोई बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है लेकिन कम सैलरी में काम कर रहा है, क्या वो भी यहाँ पर आ सकता है? जी बिल्कुल, लेकिन अगर वो हेल्थ सेक्टर में है तो हमें वो अपना अप्रोच दें यहाँ पे, और मैं जो हमारा क्राइटेरिया है अगर आप उसमें पास होते हैं तो निश्चित रूप से आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़े तो ट्रेनिंग देंगे, नहीं तो डायरेक्ट हम जॉब दे देंगे हम आपको। अच्छा सर, आपने गर्ल्स के लिए हाइट बताई 5'5" जी 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 जी, बट बहुत सारी ऑन एन एवरेज अगर हम इंडिया की बात करें तो 5.2 एवरेज हाइट होती जी जी जी, तो उन कैंडिडेट का क्या जिनकी हाइट कम है? लेकिन मैम क्या होता है ना, जो एक सुपरवाइजर ऑफिसर होता है ना उसके अंदर में सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क करता है, तो उसका एक लेंथ एक लंबाई क्या होता है ना बहुत मतलब रखता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो एक अंदर से ये होता है जो ये है ना, तो अंदर से वो एक खौफ होता है ना, वो चीज उसको दिखाई देता है, उससे कम में क्या होता है ना, जो सिमिलर समझ लेता है यार, मतलब वो नहीं आ पाता है अंदर से, जो हमें एक होना चाहिए, जो एक सुपरवाइजर है वो हमारा ऑफिसर है, डर होना चाहिए अंदर से वो चीज, तो उसके लिए हाइट बहुत मतलब रखता है। अच्छा, जो कोर्स करा रहे हैं ये सिर्फ एक ही पोस्ट का होगा सुपरवाइजर की? जो स्किल में तो अभी मैं ये दे रहा हूँ, सेमी स्किल में आपको मिल जाएगा इसका गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का मिल जाएगा, और इसके बाद GDA का वैकेंसी, जो गार्ड का वैकेंसी है 100 वैकेंसी हमारा अभी है, अभी मेट्रोलाइट में दिसंबर में 100 वैकेंसी है हमारे पास, और अगर 200 वैकेंसी GDA में है, मेल फीमेल, मेल में हमारा ज़्यादा है 100 और 100 फीमेल में, और 200 हमारा हाउसकीपिंग के लिए, जो हाउसकीपिंग में हमें अभी मेल चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए, हमें मेल मेल चाहिए, 200 वैकेंसी है जो अनस्किल्ड में, ये तो हमारा चल ही रहा है,
ये हमारा साइड में चल रहा है, वो हमारा एक अलग प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट हमारा कंटिन्यू है। कभी भी कोई भी इंडिया का सेम स्किल अगर गार्ड का काम करना चाहते हैं, अगर हमारा जो वार्ड बॉय होता है, जो GDA होता है जिसको हम नर्सिंग असिस्टेंट कहते हैं, उसका काम करना हो या हाउसकीपिंग पे काम करना हो, तो आप 24 आवर हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं और डेली वैकेंसी है। और जो मैंने वैकेंसी का डेटा बताया ओनली दिसंबर में है, जनवरी में इसका डबल वैकेंसी आने वाला है। मतलब 365 डेज कभी भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई, बिल्कुल बिल्कुल मैम। और जो अभी जो फ्री कोर्स चल रहा है वो सर लिमिटेड है, कितने लोगों की को आप ट्रेन करोगे? ट्रेन मैं 50 लोगों को करूंगा अभी शुरू में 50। हाँ हाँ, अगर अच्छा प्रोजेक्ट होता है तो फिर मैं उसको आगे लेके जाऊँ। उसकी अपडेट भी आपको यहाँ से चैनल से मिल जाएगी, उसके लिए आप बने रहिएगा। आप हमें अप्लाई लिंक दे दीजिए और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है रिटर्न में वो भी आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम रिटर्न में भी लोगों को जो है रीड कर सके लोग और यहाँ पर आ सके। सो फ्रेंड्स, आई होप सर ने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और ये आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप अपने लिए एक स्किल्ड जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो ये फ्री कोर्स सर की तरफ से आप सभी के लिए, जिसमें अभी मौका दिया जा रहा है सिर्फ 50 लोगों को, आगे भी ये मौका मिलेगा उसकी अपडेट आपको यहाँ से मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक और डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सभी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।